अच्छा लोग, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास में। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरुण का टेन का अगला लेक्चर। कल क्लास नहीं हो पाई थी, आप सभी को मैंने पहले सूचित करवा दिया था। देवेंद्र, यशराज, विनय, चंद्रा, शुभम, सभी का स्वागत है। चलो शुरू करें फिर। क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। जुड़ जाओ सब फटाफट जो अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं। एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार चेप दोगे तो बच्चे जितने आपके जानने वाले होंगे एग्रीकल्चर के सारे आ जाएंगे। स्टार्ट करें। चलो, तो पहला पॉइंट क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या झूमिंग, एक ही नाम है। क्या होता है भाई साहब? देखो जरा समझाते हैं, समझते हुए हम लोग चलेंगे एक एक लाइन एक एक पॉइंट को। देखो कुछ नहीं है भाई साहब, मान लो एक जंगल की जमीन है हमारी, यानी ये है हमारा फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, एक फॉरेस्ट एरिया था। इस फॉरेस्ट एरिया को हमने कट किया, इस फॉरेस्ट एरिया को हमने कट किया, और कट करके यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट कर दिया? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। ठीक, क्या स्टार्ट कर दिया? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। अब एग्रीकल्चर में हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगातार एक ही क्रॉप, यानी सेम क्रॉप लगातार हम लोग पैदा कर रहे हैं। और जब सेम क्रॉप आप लगातार पैदा करते हो तो होता क्या है? इस टाइम ड्यूटी मेरी प्रयागराज है चंद्रा। सेम क्रॉप हमारी अगर मैं बात करूंगा तो सेम क्रॉप लगातार उगाते रहने से होगा क्या भाई? मान लो एक ही तरीके की अगर फसल आप लगातार उगाते रहते हो, एक ही फसल अगर लगातार उगाते रहते हो तो जिस टाइप के न्यूट्रिएंट्स या जैसा पानी उसको चाहिए होगा, धीरे धीरे वो सारा मिट्टी से कम पड़ने लगेगा, खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा। इससे क्या होगा? सॉयल की फर्टिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। सॉयल की क्या होगा? फर्टिलिटी कम हो जाएगी। सॉयल की फर्टिलिटी अगर कम होगा तो प्रोडक्टिविटी साथ में अपने आप ही कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जा रही है। और जब सॉयल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? तब भाई साहब हम क्या करेंगे? दूसरी जमीन, ठीक है, सेकेंड लैंड को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, और क्लीन करके फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पर खेती स्टार्ट कर देंगे। और इस तरीके से क्या होगा? धीरे धीरे हम पेड़ों को काटते जाएंगे और नई जगहों पर खेती करती जाएंगे, और जो पुरानी जमीन हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हम एक जमीन जो छोड़ देंगे, यहाँ पर एक जमीन हमने क्या किया? यहाँ पर लैंड छोड़ दिया, लीव कर दिया। ये जमीन का क्या होगा? बहुत ज्यादा इरोजन होगा, क्योंकि ये खुला पड़ी रहेगी, इस पे कुछ बोया नहीं जाएगा, पेड़ लगे थे उनको भी काटा जा चुका है, तो इससे इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो कुल मिला के आपको इसे समझ में क्या आया? क्या समझ में आया? गुड इवनिंग शुभम, क्या समझ में आया इससे आपको? कि फॉरेस्ट एरिया को कट करके जब हम खेती करते हैं और लगातार एक ही तरीके की खेती करते जाते हैं, जब लगातार एक ही तरीके खेती करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस हो जाएगा, और सॉइल की फर्टिलिटी जब लॉस होगा तो उत्पादकता अपने आप ही कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? हम दूसरी जगह पर जाएंगे, दूसरा फॉरेस्ट एरिया क्लीन करेंगे और वहां पर खेती करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो पहले से हमने क्लीन किया था वो खेत हमने छोड़ दिया, और जब वो खेत खुला पड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट भी अब नहीं रह गया और खेत खाली है, तो वहां पर सॉइल का इरोजन बहुत तेजी से होगा, और हम दूसरी जमीन पर जाकर यही क्रियाएं करेंगे, और फिर से उस जमीन को खराब करके हम क्या करेंगे? तीसरी जमीन की ओर मूव करेंगे। इसका मतलब बार बार हम क्या कर रहे हैं? फील्ड को चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्रॉप हम सेम रख रहे हैं। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे और एक नाम से जानते हैं। नामों की अगर बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो बहुत ज्यादा नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जमीन को बदल दे रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं लैंड रोटेशन। क्या कहते हैं? लैंड रोटेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? रोटेशन, लैंड रोटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमि को बार बार बदला जा रहा है, लैंड को बार बार शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, लैंड को शिफ्ट करने की वजह से हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी लैंड रोटेट हो रही है लेकिन क्रॉप फिक्स है, तो लैंड रोटेशन है, शिफ्ट कर देना है लैंड, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। होता क्या इससे है? सॉयल का इरोजन बढ़ जाता है। बेसिकली क्या है? इरोजन बहुत ज्यादा हाई होगा और एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा नहीं है जब पेड़ काट रहे हो तो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली भारत में कहां पर अपनाया जाता है, सर्वाधिक कहां पे? वैसे तो भारत में छुटपुट बहुत सारी जगहों पर अपनाया जाता है, लेकिन भारत में अगर देखोगे बेसिकली तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ
कहाँ है, झारखंड में है, तो वहां पर भी इसकी खेती की जाती है, और एमपी में भी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, बेसिकली इतना नॉलेज आपको अरुण का अध्ययन में इसके बारे में मिल जाता है। गुड इवनिंग जेपी, पल्लवी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब इतना नॉलेज आपको बेसिकली कहाँ से मिल जाता है, अरुण का अध्ययन से। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इससे अलावा भी जो है लैंड रोटेशन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और वो है इनके नाम। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो एग्रीकल्चर का, वहां पर इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसा जब टफ एग्जाम में आप जाते हो तो मिलाने वाले क्वेश्चंस खूब आते हैं कि ये नाम है और ये राज्य दे दिया और आपको मिलाना रहेगा। तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा रहेगा, तो आपको मैं आज बता देता हूं, अगली बार से या तो अपना आप कॉपी एक अपने साथ कॉपी पेन रखेंगे जब मैं अगली क्लास में होंगे, आज जो नहीं लिए वो अभी उठा लें, या फिर आप अपनी बुक पर, अगर देखो कुछ बच्चे रहते हैं जिनको बुक पे गोदना बहुत अच्छा लगता है, बुक पे लिखना बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी बुक लेंगे और बुक में जहां भी जगह पाएंगे वहां पर इन चीजों को भर देंगे, चाहे आप आगे पीछे जहां भी स्पेस आपको मिल जाए वहां पर। ठीक है, अब मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं शुभम, बहुत बढ़िया। स्लैश एंड बर्न इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, जंगल को जलाते हैं और उसके बाद जो है जमीन पर खेती करते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न इसलिए बोलते हैं। चलो अब मैं कुछ नाम बताऊंगा और साथ में मैं बताऊंगा किस राज्य में उसको, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये कहा जाता है। ठीक है, नाम और राज्य। पहले मैं बताऊंगा झूम खेती इसे कहाँ कहा जाता है, झूम कल्टीवेशन इसे कहाँ कहा जाता है। झूम खेती हम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसको झूमिंग कहा जाता है या झूम खेती कहा जाता है, और सर्वाधिक झूम खेती होती कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। किस राज्य में सर्वाधिक होती है, तो असम में होती है। ठीक है, एक एक नाम मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको याद करना है। इसके अलावा इसी खेती को हम कहते हैं पूनम। क्या कहते हैं, पूनम। आप कहोगे पूनम इसे कहाँ कहा जाता है, तो पूनम इसे कहा जाता है केरला में। ठीक है, केरल में इसे क्या कहते हैं, पूनम कहते हैं। ठीक है, मैं नाम बता देता हूं, आपको ये नोट करना है, याद भी करना है, क्योंकि बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, चलो इसके बाद इसे बोलते हैं पोदू। क्या बोलते हैं, पोडू। पोडू कहां पर बोला जाता है, बेसिकली इसको आंध्रा में बोला जाता है, आंध्रा में। लेकिन अब आंध्रा के साथ साथ उड़ीसा के कुछ क्षेत्र भी हैं जहां ये खेती होती है, और वहां पर इन्हें पोडू बोला जाता है। ठीक है, पोडू बोला जाता है, ध्यान रखना है, छोटे छोटे टर्म है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इसके अलावा बेवर या बेरा, क्या बोलते हैं, बेवर या वेरा। बेवर या बेरा इसे कहा जाता है कहां पर, मध्य प्रदेश में। कहां कहा जाता है बेवर या बेरा, मध्य प्रदेश में इसको बेवर या बेरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है धैया। क्या कहा जाता है, धैया इसे कहां कहते हैं, तो धैया इसे कहते हैं झारखंड में। कहां कहते हैं, झारखंड की एक जनजाति है वैगा। कौन करता है खेती, वैगा जनजाति। झारखंड की एक जनजाति है वैगा जनजाति, वहां पर ये खेती करती है और इसे धैया कहा जाता है। ठीक है, पोदू आंध्र प्रदेश उड़ीसा, बहुत बढ़िया पल्लवी, चलो अच्छा है। कुछ बच्चों को याद भी है, जो टर्म नहीं याद है बच्चों, तो ये याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैंने आपको धैया तक बता दिया है। चलो इसके बाद मैं बताता हूं, हाँ, कुमारी इसे कहां कहा जाता है, कुमारी। मैं एमसीक्यूज अगर कभी कराऊंगा तो यहां से क्वेश्चंस मैं अक्सर बनाता हूं, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में इसे हम कहते हैं क्या, कुमारी। पश्चिमी घाट की पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर हम खेती करते हैं, इसे कुमारी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिंगा, इसे उड़ीसा में कहते हैं ब्रिंगा, ब्रिंगा या ब्रिंजा जो आप कह लो, ब्रिंगा इसे कहते हैं कहां, उड़ीसा में, बेसिकली इसे ब्रिंजा कहा जाता है। इसके अलावा आता है कुरुआ इसे कहा जाता है झारखंड में इसे कहते हैं कुरुआ। और लास्ट हमारा बचा जिसे कहते हैं दिप्पा, और दिप्पा इसे कहा जाता है कहां, दिप्पा इसे कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार में। साथ ही एक और जिला है बस्तर, कहां का, छत्तीसगढ़ का, जहां खेती की जाती है और इसे कहा जाता है दिप्पा। ठीक है, क्लियर, चलो धैया झारखंड, बहुत बढ़िया, चलो धैया झारखंड में, चलो बात किया जाए। अच्छा, झारखंड में कुरुआ भी है, धैया भी है, ठीक है चलो। तो बेसिकली मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं, चंद्रा पढ़ाई पर ध्यान दें आप, याद करने पर। झूम कहां बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट और असम में। पूनम कहां बोलते हैं, केरल में। पोदू आंध्रा उड़ीसा। बेवर बेरा मध्य प्रदेश। धैया झारखंड। इसके अलावा कुमारी पश्चिम घाट। ब्रिंजा उड़ीसा।
कुरुआ हमारा झारखंड में भी बोलते हैं, कुछ एरिया मध्य प्रदेश के भी है वहां भी थोड़ा बहुत कुरुआ बोला जाता है, कुरुआ खेती की जाती है। और दीप्पा हमारे अंडमान निकोबार और बस्तर में आती है। और एक दो और नाम बचे, अच्छा चलो वालतेयर, वालतेयर मैंने एक बार एमसीक्यू में लाया था, जो पुराने क्लास में मेरे से पढ़ते रहे होंगे, वालतेयर राजस्थान में और खिल हिमालय के आसपास वाले रीजन में, खिल खिल इसे बोलते हैं हिमालय रीजन में, चलो इतने बहुत हमें लगता है, हिमालय रीजन में खिल कहते हैं। मिलाने वाला अक्सर आता है, जेआरएफ प्रिपरेशन का कोर्स अवेलेबल है। जी हाँ, आप हमारा जो एग्री टॉपर्स एकेडमी है उसके टेलीग्राम पर या उसके इसमें डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम रहेगा उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप नंबर इसमें रहता है डिस्क्रिप्शन में तो वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी कोर्स रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। ठीक है चलो, कुमारी पश्चिमी घाट में, ब्रिंजा उड़ीसा में, कुरुआ झारखंड भी और मध्य प्रदेश में, दीप्पा अंडमान निकोबार बस्तर में, वालतेयर राजस्थान में, खिल हिमालय में, ये आप अपने एक जगह नोट कर लेंगे, एक पेज पर नोट कर लेंगे और इसको रट डालेंगे क्योंकि ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है चलो, इसके बाद अच्छा ये तो हमने बात किया भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ एग्जाम्स अगर अपर लेवल में आप जाते हो, ठीक है, थोड़ा सा टफ एग्जाम्स में जब आप जाते हो तो ये विश्व लेवल पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, विश्व भर में भी इसकी खेती होती है और उसमें कुछ नाम बहुत फेमस है जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनको भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। एग्रो एनडी, आपको ये बात जो हमारे फाउंडर महोदय है उनसे करनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ बस पढ़ाता हूँ, मुझे इसके विषय में कोई खास जानकारी है नहीं, तो आप नंबर पर संपर्क कर लेंगे तो आपको बेहतरीन जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, हाँ बैच चल रहा है इतना मुझे पता है तो मैंने आपको बस बता दिया। ठीक है, बाकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई समस्या आती है तो अभी उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक चलो, अब मैं बात कर लूं, फिर से मैं आ जाता हूं नाम और स्टेट की जगह यहां लिख देते हैं देश। ठीक है, कुछ जगहों पर कुछ देशों में इसका अलग अलग नाम चलता है, जैसे टाउनजिया कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउनजिया, TAUNGYA, टाउनजिया, इसे कहां कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है म्यांमार में, या बर्मा पुराना नाम म्यांमार का, या नया नाम कह लो म्यांमार, म्यांमार या बर्मा में इसे कहते हैं क्या, टाउनजिया। चीना, चीना कहाँ कहा जाता है इसको, चीना, चीना या चेना लिखा होगा आपको, कहा जाता है श्रीलंका में, श्रीलंका में इसे चीना या चेना कहा जाता है। इसके अलावा करेन, क्या, करेन, करेन कहाँ कहा जाता है इसे, करेन कहा जाता है जापान या कोरिया में, जापान या कोरिया में इसे क्या कहा जाता है, जापान या कोरिया में इसे कहा जाता है करेन, बेसिकली कोरिया ऑप्शन में अक्सर आता है। ठीक है, कोरिया ऑप्शन में अक्सर आता है। इसके अलावा लदांग, इसे लदांग भी कहा जाता है, लदांग भी कहा जाता है, यूपी पीसीएस में दो तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में से लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, और अलग अलग राज्य के स्टेट पीसीएस जिसमें भी आप जाते हो, इस समय स्टेट पीसीएस में एग्रीकल्चर की वैकेंसी हर जगह आने वाली, बिहार में भी आने वाली है, यूपी में भी आने वाली है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए वहां पर बहुत अच्छे रहेंगे, अगर एक बार आप तैयार कर लेते हो तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, टाउनजिया कल्टिवेशन बर्मा में बोलते हैं, चीना श्रीलंका में, करेन जापान में, वो टाउनजिया आप जो समझ रहे हो चंद्रा वो नहीं है, ये टाउनजिया ये अलग चीज है, उसे जब हम बताएंगे टाउनजिया कल्टिवेशन हो तो हम लोग उसमें बात करेंगे, रिले क्रॉपिंग में तब बताएंगे उसका अलग, जो आप मतलब समझ रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, लदांग हो गया, फिर इसे हे, हे, हे कहां कहा जाता है इसे, हे कहा जाता है लाओस में, लाओस में कहते हैं हे, और वियतनाम में कहते हैं रे, रे कहां कहते हैं, वियतनाम में, वियतनाम में कहते हैं रे। ठीक है, इसके अलावा एक और पूछा जाता है आपसे इसमें, बेसिकली मिल्पा, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में से। ठीक है, इतने नाम आप याद कर लो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है चलो, टाउनजिया बर्मा में, चीना श्रीलंका में, करेन जापान एंड कोरिया में, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में, हे लाओस में, रे वियतनाम में, मिल्पा मेक्सिको में, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन अभी तक जितनी बार आया सिंगल क्वेश्चन नहीं आया है कि एक देश उन्होंने दे दिया हो, एक या फिर एक नाम दे दिया हो और पूछा हो देश, हमेशा ये मिलाने को आते हैं और कभी कभी आपको ऐसा रहेगा चारों नहीं पता रहेंगे, इतने मैंने बताए हैं इससे आप कभी भी मिलाने वाला आएगा तो आप कर लोगे, और अगर सिंगल वर्डिंग भी आता है तो इन्हीं में से आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने वही लिए हैं नाम, इसके अलावा बहुत सारे नाम और है, विश्व भर में अलग अलग नाम से जानी जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की शुरुआत ही विश्व में सबसे पहली खेती के तौर पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, तो हर जगह इसकी खेती छुटपुट तरीके से होती जरूर है और इस खेती से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, इसलिए चर्चा का विषय रहती है, और चर्चा का विषय रहती है इसलिए क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है
मिलिया मैक्सिको ना, हाँ हाँ मिलिया मैक्सिको, ठीक है मिलिया ही बोलते हैं, मिल्पा नहीं बोलते, मैंने गलती से शायद मिलिया लिख दिया, मिल्पा लिख दिया क्या, मिलिया, हाँ ठीक है, अच्छा मिलिया, ठीक मिलिया है ये, ठीक है मिलिया मैक्सिको, अच्छा बहुत सही। चलो फिर ये हो गया हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आई होप आपको ये क्लास पूरी क्लियर हो गई होगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मैंने बताया फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड, जो जो बताया है समझ लो, फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड ड्यू टू द कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप जनरली द राइस ऑन द सेम क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर। इन्होंने कहा क्रॉप फिक्स रखेंगे, यानी धान के बाद धान लगाएंगे, फिर धान काट के फिर धान लगाएंगे, और ऐसे हम लगातार खेती करती जाएंगे, और इससे क्या होगा, सॉयल की प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड क्रॉप क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट टू द अदर स्लैश एंड बर्न लैंड, इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसके बाद हेयर द सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर इन द केस लैंड इज रोटेटेड बट क्रॉप इज फिक्स्ड, देयरफॉर इज नोन एज लैंड रोटेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट करती है लैंड को, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। आल्सो इसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, सॉयल इरोजन को ये बढ़ाता है। भारत में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और छोटा नागपुर पठार और झारखंड में और मध्य प्रदेश के हिली एरियाज में इसकी खेती बेसिकली होती है। ठीक है चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कहां पर, क्रॉप रोटेशन पर। क्रॉप रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो क्रॉप रोटेशन इज अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन, क्या है उल्टा है लैंड रोटेशन का, क्या है रिवर्स है लैंड रोटेशन का। हेयर द लैंड इज फिक्स्ड, यहां क्या है देखो भूमि फिक्स रहेगी, लैंड फिक्स रहेगी, लेकिन क्रॉप रोटेट होती रहेगी। अच्छा समझो इससे क्या होगा, मान लो आपकी ये एक लैंड है, ये आपका एक यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में आप क्या करो, इस साल आपने जो है फसल उगाई, सबसे पहले राइस उगाया खरीफ में, फिर आपने व्हीट उगाया रबी में, उसके बाद जायद में मान लिया आपने मूंग की खेती कर ली, ठीक है। इसके बाद अगले साल आपने क्या किया, खरीफ में आपने उगा दिया मेज और रबी में उगा दिया क्या आपने सरसों, ठीक है, और इसके बाद आपने जायद में लगा दिया उड़द, ठीक है। तो आपने यहां पर मेज और सरसों को क्या किया, रोटेट किया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, भूमि का जो लॉस हो रहा था उसको कम कर दिया, और यहां चेंज करने में अगर आप ध्यान देते तो आप क्या कर सकते थे, कोई दलहनी फसल उगा सकते थे। इससे दलहनी फसलें क्या होती है, रिस्टोरर क्रॉप्स होती हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को मेंटेन रखने में काम करती हैं, जो सॉयल प्रोडक्टिविटी है उसको बनाए रखने में हेल्प करती हैं। तो इससे लैंड, जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होता है बेसिकली। चलो अभी समझते हैं लाइन बाय लाइन क्या है। मैंने कहा क्रॉप को रोटेट करेंगे, लैंड फिक्स रहेगी, ठीक है। वन ऑन अ सर्टेन लैंड रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप और क्रॉप एंड फॉलो लैंड इन सर्टेन सीक्वेंस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, जैसे राइस स्वीट मूंग मैंने कहा 2020-21 में, फिर आपने राइस मस्टर्ड और चिली लगा दिया 2021-22 में, तो यहां पर मस्टर्ड और चिली आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, मस्टर्ड एंड चिली इज रोटेटेड बाई स्वीट एंड मूंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर में मेंटेन इवन इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, यानी जितनी थी उसको तो बना के रख रहा है, उल्टा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है सॉइल की फर्टिलिटी को और स्टेबल इनकम भी आपको दे रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोनोकल्चर एंड मोनोक्रॉपिंग, चंद्रा मैं अभी बता दूंगा, वहां पहुंचने दो, आएगा वो भी इसी में, क्रॉप मतलब बुक का हिस्सा है, ठीक है। इट चेक्स द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, सॉइल इरोजन को कम करता है, सॉइल मॉइस्चर को भी बनाकर रखता है, इनहेंस इंश्योर अ बैलेंस्ड प्रोग्राम ऑफ वर्क थ्रू आउट द ईयर, साल भर आपको बैलेंस प्रोग्राम काम करने का मदद मिलती है। सुटेबल क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर का ये हमारा की है, और इससे हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को दोनों को एक साथ मेंटेन रख सकते हैं, यानी उत्पादन भी लेंगे भूमि से और मृदा को खराब भी नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो बेसिकली ये हमारा क्या है, क्रॉप रोटेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग क्या है जरा समझो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखो, जहां पर सस्टेनेबल की बात करते हैं, सतत की बात करते हैं, वहां पर हम सबसे पहले किस चीज पे आ जाते हैं कि भाई साहब लगातार अगर कोई चीज करनी है, सस्टेन अगर कहीं पर भी आ जा रहा है, सस्टेन शब्द, सस्टेन का होता है मतलब लगातार चलना या सतत चलना, बिना रुके चलना, बिना रुकावट के चलते रहना, और इसके लिए हमको आज के टाइम पर सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, इन्वायरमेंट की जरूरत है, इसकी जरूरत है सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट की।
कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमको एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखते हुए काम करना पड़ेगा, जहां भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात आ जाएगी वहां पर। तो हमने क्या कहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज कम अप बिकॉज यील्ड्स फ्रॉम द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, उत्पादन तो मॉडर्न फार्मर टेक्निक से बढ़ गया है लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी साथ में बड़े पैमाने पर बढ़ी है, क्योंकि हाईली हमने क्या किया, केमिकल और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज किया, और इससे क्या हुआ, ये फूड चेन का भी हिस्सा बन गए हैं बेसिकली। मैंने क्या बताया, समझो जरा, मैं कह रहा हूं कि एक समय था, वंस अपॉन अ टाइम इन 1960 का ही रहा था, उस समय हमारे पास बहुत समस्याएं थी, हमारे पास खाने की कमी थी, हमारे पास अनाज की समस्या थी, आबादी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और हमारे पास पर्टिकुलर ग्रेन नहीं था जितने से हम उसका पेट भर पाए लोगों का। एक टाइम था जब लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये कहना पड़ा था कि एक टाइम भूखे रहकर आप लोग जो है अनाज बजाएं जिससे सबको एक टाइम का एटलीस्ट खाना मिल पाए, आप एक टाइम खाना खाएं, ठीक है। इतना कम अनाज था भारत के पास, पैसे की भी समस्या थी, 1962 में हम चाइना से वार में भिड़ गए और उसके बाद जो है समस्याएं इतनी पैदा हुई, अमेरिका जो हमको अनाज देता था उसने हमको अनाज देने से मना कर दिया, ऐसा टाइम हमको देखने को पड़ा हमारे देश को कि अमेरिका ने जो सबसे बेकार क्वालिटी का उसका गेहूं था, हमने उससे गेहूं मांगा तो उसने सबसे बेकार क्वालिटी का गेहूं था जो उसने अपने सुअरों को खिलाने के लिए रखा हुआ था वो एकदम खराब क्वालिटी का गेहूं भारत में इम्पोर्ट करने की बात कही, भारत में भेजने की बात कही। उस टाइम पीरियड के बाद जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आती है 1966-1967 में, 1966-67 का टाइम पीरियड आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ और आज के टाइम पर हम इतना सफिशियंट है कि हम खुद के अनाज को स्टोर करके रखते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं, और कई, ये बड़ाई तो नहीं है कि हम कई मिलियन मीट्रिक टन हम लोग अनाज को बर्बाद करते हैं, गोदामों में सड़ जाता है, लेकिन हाँ एग्रीकल्चर की सफलताएं यहाँ पर हमको नजर आती हैं कि एग्रीकल्चर ने अपना काम बखूबी किया है। हाँ स्टोरेज में अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं और उसके लिए हम लोग जो हम लोग पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं आज के टाइम पर उसका इसको बढ़ भी रहा है और सरकार भी प्रयास कर रही है कि जितनी भी चीजें हैं वो खराब ना होने पाए, लंबे समय तक हम उसको स्टोर करके रख पाए, समुन्द्र में हमको जाके उसको डंप ना करना पड़े, खराब ना करना पड़े इसके लिए, ठीक है। गोल्डी कुमारी गुड इवनिंग, ठीक है। तो वो टाइम हमने देखा था और आज का टाइम है कि हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन एकदम हाई लेवल पे है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, अब हमारे पास इसकी समस्या नहीं कि हमारे पास उत्पादन की कमी है, हमारे पास खाने का अनाज नहीं है, ऐसी कोई समस्या हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने इसको पाने के लिए 1960s में हमने क्या चीजें अपनाई थी जिससे हमारा उत्पादन इतना बढ़ा था। पहला तो हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYVP प्रोग्राम चलाया 1964 में, 1964-66 में हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम चलाया गया, HYVP प्रोग्राम चलाया गया और हमने उन्नत किस्मों का जो है प्रयोग करना स्टार्ट किया। यह तो हमारे लिए अभी भी लाभकर है और इसको तो हमें बढ़ा के रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमने क्या किया, हाई फर्टिलाइजर डोजेस, भूमि को जगाने के लिए हमने हाईली फर्टिलाइजर यूज किए, हाई केमिकल यूज किए फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट, इंसेक्ट को मारने के लिए एंड पेस्ट को मारने के लिए, वीड को खत्म करने के लिए, इन सब के लिए। अब इन सब ने क्या किया, इन सब की वजह से क्या हुआ, इन सब की वजह से आज के टाइम पर पहली बात तो सॉयल इरोजन हुआ और सॉयल का पानी, सॉरी सॉयल इरोजन नहीं, सॉयल पॉल्यूशन, सॉयल इरोजन नहीं बोलेंगे, इससे क्या हुआ, सॉयल पॉल्यूशन। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, जब हमने लगातार क्या किया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, इससे क्या हुआ, हमारा सॉयल पॉल्यूशन हुआ। सॉयल पॉल्यूशन के बाद अगर मैं बात करूं, इरोजन भी मिट्टी में होता रहता है पानी के द्वारा, इरोजन से ये वाटर चेन में आया, वाटर चेन में आकर इसने क्या किया, नदियों को पॉल्यूट किया, यानी वाटर पॉल्यूशन हुआ। वाटर पॉल्यूशन और सॉयल पॉल्यूशन तो हुआ ही, साथ में क्रॉप ने केमिकल्स को अब्जॉर्ब किया, केमिकल्स को अब्जॉर्ब किया, और क्रॉप ने जब केमिकल्स को एब्रॉज एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, तो ये हमारी
फूड चेन में आया, फूड चेन में आया, खाने में आ गया, इससे हमारा हेल्थ फेल्योर भी हुआ, हेल्थ हमारी डाउन हुई। तो बेसिकली आप देख रहे हो अपने हेल्थ के लिए बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है, सॉइल को पोल्यूट कर रहा है, मिट्टी हमारी इरोजन हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है, हम पानी पी रहे हैं उससे हमारे शरीर में जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं उससे हमारे शरीर में जा रहा है, तो धीरे धीरे हमारी फूड चेन का हिस्सा बन गया और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, हमने उत्पादन एक टाइम पर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा लिया, लेकिन अब हमको उत्पादन की आवश्यकता नहीं, अब हमको जरूरी है कि हम उत्पादन को मेंटेन रखकर सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ाएं, और इसके लिए ही जो टर्म हमारे सामने आता है दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्म। ठीक है, मैंने कहा तीन प्रकार की खेतियां आपको देखने को मिलती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे जीवन निर्वाह कृषि, नाम से आपको समझ में आ गया होगा, यानी बस अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए हम लोग खेती करते हैं। इसमें हम लोग लागत बहुत कम लगाते हैं, यानी इनपुट क्या है, लो है, इनपुट क्या है, लो है, और आउटपुट भी लो है, यानी आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, ठीक है, और इनपुट का मतलब होता है लागत। तो लागत भी कम लगाते हैं, उत्पादन भी कम करते हैं, और ये हमारा सिर्फ क्यों किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने जो हमारे उनका है वो पेट भरने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद मैं बात करूं कॉमर्शियल फार्मिंग की। कॉमर्शियल फार्मिंग हमारा दूसरा पॉइंट है। कॉमर्शियल फार्मिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमर्शियल फार्मिंग हमारा क्या है, टू ऑब्टेन इनकम। हमारा मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पर, लाभ कमाना। जहां पर बात आ जाती है कॉमर्शियल की, वहां हम लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य रखते हैं। यहाँ पर हम पैसा भी ज्यादा लगाएंगे और उत्पादन भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, हाईली इनपुट लगाकर हाईली प्रोडक्शन लेना, ये हमारा, गुड इवनिंग विनय कुमार यादव, अच्छा ठीक है। तो हमने क्या किया कॉमर्शियल फार्मिंग में, हमने ज्यादा ज्यादा पैसा लगाया, खूब पेस्टिसाइड फेंका, खूब केमिकल लगाया, और उत्पादन भी बढ़ाकर हमने ले लिया, जो हम अभी तक कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। अब हमको तीसरे स्टेप की ओर मूव करना पड़ेगा, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और यहां पर हमारा मेन उद्देश्य क्या है, यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है यहां पर, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना। यहाँ हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, लागत को कम करेंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे, यानी हम कम केमिकल का यूज करेंगे और जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनेगा और उत्पादन भी हम घटने नहीं देंगे। ये हमारा टारगेट है और ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। तो हमने कहा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज दैट फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ये ऐसी फार्मिंग की प्रक्रिया है व्हिच प्रोड्यूस सफिशियंट फूड टू मीट द नीड ऑफ द पर्सन प्रेजेंट जनरेशन विदाउट इरोडिंग द इकोलॉजिकल एसेट्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ फ्यूचर जनरेशन। नेचुरल फार्मिंग इज एन एक्सीलेंट इलुस्ट्रेशन ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, समझना बच्चा, नेचुरल फार्मिंग और इको फार्मिंग या सस्टेनेबल फार्मिंग में अंतर है। सस्टेनेबल और इको एक ही चीज है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग एक सस्टेनेबल फार्मिंग का एक पार्ट है। ठीक है, यहां भी आप लोग अंतर नहीं समझ पाते हो, मैं एग्री टॉपर्स का टेस्ट इसलिए ही कंटेंट वेरी नाइस का टेस्ट इसलिए लिया है क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आपको दोनों से एग्री जो है, आपको यहाँ भी कंटेंट क्लास में भी अच्छा मिलेगा और आपको हमेशा टेस्ट का भी कंटेंट बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बेहतरीन लोग उस टेस्ट को बना रहे हैं तो आपको हमेशा उसका फायदा मिलेगा ही। ठीक है, चलो मैं क्या बात कर रहा था, मैंने बताया कि देखो भाई साहब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सीधा मतलब है कि सभी जितनी जनता हमारी है इस समय उसको हमको पूरा खाना भी देना है, ऐसा नहीं कि भूखे मारना है भाई साहब, और हमको ऐसा भी करना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाकर रखना है। हम अब एक बैलेंसिंग अप्रोच पर काम करेंगे और इसका एक बेहतर एग्जांपल है नेचुरल फार्मिंग। इसका मतलब है ये लाइन कहती है कि नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग में कुछ तो अंतर होगा भाई। ठीक है, तो समझो जरा क्या अंतर है उस पर हम बात कर लें, क्या अंतर है उस पर बात कर लें। चलो देखो भैया, अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बड़ा अप्रोच है, दिस इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, तो यहां पर नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती इसी का एक भाग है। नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल एग्रीकल्चर जो भी कह लो, नेचुरल फार्मिंग वैसे सही शब्द है, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, या इसी को हम और एक शब्द बोलते हैं परमाकल्चर। क्या बोलते हैं, परमाकल्चर,
देखो बच्चा, मैंने कहा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेचुरल एग्रीकल्चर में बेसिक अंतर है। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक खेती। क्या है? प्राकृतिक खेती। अब आप कहोगे भाई साहब जब हम इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है? देखो बच्चा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि हम नवीन चीजों को नहीं अपना रहे हैं, ठीक है? आप नवीन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे आप बायोपेस्टिसाइड, आप कह रहे हो हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे लेकिन आप बायोपेस्टिसाइड यूज करोगे, ठीक है? आप कह रहे हो कि हम मैन्योर्स नहीं डालेंगे, सॉरी हम फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करेंगे लेकिन आप क्या करोगे? मैन्योर्स यूज करोगे। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट यूज करोगे, जैसे आप कंपोस्ट यूज करोगे, जैसे आप बहुत सारे हमारे नाइट सॉयल है, बहुत सारे हमारे FYM जितनी भी चीजें हैं आप सब यूज करोगे। ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन ये यूज करके हम नेचुरल फार्मिंग उसे नहीं कहेंगे। नेचुरल फार्मिंग में कहने का मतलब कुछ भी आपने नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया, आप बैक जा रहे हो जैसे हमारे पुराने लोग खेती करते थे उस पर। नेचुरल फार्मिंग में हम यूज क्या करेंगे? फिर गोबर की खाद, ठीक है? गोबर की खाद, देसी गाय के गोबर से हम 5 कॉन्सेप्ट आप लोग नाम सुने होंगे। फर्टिलाइजर, अगर हमको कीड़ों को कंट्रोल करना है तो नीमास्त्र बनाते हैं, नीम गोबर और गाय के मूत्र से बनाते हैं नीमास्त्र, ठीक है? बीजामृत बनाते हैं जो बीजों को हमारे शोधित करने के लिए बनाया जाता है, और ये सारी चीजें हमारे गाय के गोबर, गोमूत्र, मिट्टी, इन्हीं सबसे बनाया जाता है। यानी इसमें किसी भी तरीके की नवीन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है, और ये आज के टाइम पर सरकार इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। चूंकि सरकार का मेन मकसद है कि गायों का उपयोग भी भारत में बढ़ेगा, इससे गायों का उपयोग भी बढ़ेगा, उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो जो गौचारण से लोग समस्या ग्रस्त हो गए हैं, जिनके खेतों में गायें चर जाती हैं, लोग खुला छोड़ देते हैं, वो भी समस्याएं सामने नहीं आएंगी। और इसके अलावा प्राकृतिक खेती से हमारी सॉइल की इकोसिस्टम भी बेहतर बना रहेगा, ठीक है? साथ साथ में एसरेशन और रीजन क्वेश्चन बेस्ड भी बता दिया करो प्लीज, ठीक है? मैं कोशिश करता हूं हर बार। चलो अभी मैं बात करता हूं। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, शायद मुझसे कोई छूट गया हो इसलिए मैं देख लेता हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग या परमाकल्चर बोलते हैं। मैंने आप बता दिए सारे नाम। इको फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। इट इज सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन विच यूज मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन, मिनिमल टीलेज। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या? मैंने कहा खाद का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे। मैन्योर्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे। क्रॉप रोटेशन करेंगे, लैंड रोटेशन नहीं करेंगे। मिनिमम कल्टीवेशन करेंगे, यानी बहुत ज्यादा टीलेज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर इरिगेशन भी हम कैसे करेंगे? हमारा एनिमल हस्बेंड्री का पूरा यूज करेंगे, ठीक है? और मल्टी लेवल कल्टीवेशन करेंगे, एग्रोफॉरेस्ट्री भी लगाएंगे जिससे हमारे पेड़ पौधे भी लगे, ठीक है? एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाएंगे, यानी खेती करेंगे साथ में पेड़ भी लगाएंगे खेत के किनारे किनारे, तो हमारे एग्रोफॉरेस्ट्री हो जाएगा। UP90, गुड इवनिंग। द टर्म सस्टेनेबल डिनोट, सस्टेनेबिलिटी क्या डिनोट करती है? कि भाई साहब ऐसा प्रोसेस जो मेंटेन करे आइडेंटिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है? इकोसिस्टम का ऐसा यूज करो कि इकोसिस्टम हमेशा वैसा बना रहे, खराब ना हो, इसलिए इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोला जाता है। और इसका मतलब है हम पूरी खेती करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हुए, ठीक है? आई होप आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझने में समस्या नहीं आई होगी। अगर आई हो तो फिर बता दो मुझे, तो मैं आगे उसको फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है? क्रॉपिंग सिस्टम पर बात करें हम लोग, बताओ किसी कोई दिक्कत? एक बार बता दो अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो, एक बार फटाफट बता दो आप लोग, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रॉपिंग सिस्टम पे। बताओ फटाफट। सिस्टम प्रणाली, सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स कंपोनेंट दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स। मैंने कहा सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स या कंपोनेंट। सिस्टम का मतलब है कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं और उनका सेट है पूरा पूरा, ये अकेला एक एलिमेंट या कंपोनेंट नहीं है। दैट आर इंटर रिलेटेड, जो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स और एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा क्रॉपिंग सिस्टम का सीधा मतलब है कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपस में रिलेट होकर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और उसमें हम लोग उसे हम सिस्टम कहेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम नहीं, उसे हम सिस्टम कहेंगे। सिस्टम का मतलब है कि दो या दो से अधिक चीजें आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम इज इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। तो उद्देश्य क्या है? आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, आपके पास रिसोर्सेस या इनपुट्स की कमी नहीं, रिसोर्सेस की संख्या ज्यादा है,
अब इनका हमको यूज करना है, ऐसे यूज करना है कि सबका, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास हो। कहने का मतलब है आपको एक सुटेबल तरीके से इन सब का यूज करना है, ठीक है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है सबका यूज करना है और अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। लैंड जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपोनेंट की बात मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ भूमि, भूमि का पूरा सदुपयोग करना है आपको, वाटर का भी पूरा सदुपयोग करना है, सॉयल रेडिएशन को भी भरपूर यूज करना है और साथ में आपको यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम को भी बनाकर रखना है, यानी इन्वायरमेंट को भी बिगाड़ना नहीं है। द एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑब्टेन पर यूनिट रिसोर्स इन यूनिट टाइम। ठीक है, आपने देखा कि आपके पास इतनी जमीन है, ठीक है, आपके पास इतनी जमीन है और आप इस पूरे खेत पर गन्ना उगाते हो और गन्ना उगाकर आप यहाँ पर 1,00,000 रुपए लाभ कमाते हो, ठीक है। लेकिन आप इसी भूमि का दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हो कि आपने क्या किया, इसको 4 पार्ट में तोड़ा और 1 पार्ट में आपने क्या किया, यहाँ पर पशुपालन किया है और 1 पार्ट पर आपने यहाँ पर मत्स्य पालन किया है, 1 पार्ट पर आप गन्ना उगा रहे हो और 1 पार्ट पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो। इन द सेंस आपने क्या किया, 4 काम किए, जमीन आपकी फिक्स है आपने, अच्छा इसके लिए आपको क्या हुआ, गन्ना आप उगा रहे थे, आपके पास कोई पशु नहीं था तो गन्ने की पत्तियां आपके लिए बेकार थी, लेकिन यहाँ पर जो गन्ने की पत्तियां आपने क्या किया, पशुओं में यूज कर लिया, ठीक है, पशुओं को चारे के तौर पर यूज कर लिया, साथ में इनसे जो गोबर मिला उसका आपने क्या किया, गन्ने में यूज कर दिया, ठीक है, खाद भी आपको मिल गई, ठीक है। इसी के साथ एग्रो फॉरेस्ट्री भी हमारा सेम दोनों जगह काम आ जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री से जो पत्तियां होंगी पशुओं में यूज हो जाएंगी और उसकी खाद एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज हो पाएगी, ठीक है। इन दोनों से मिलने वाला जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, जो गन्ना, जैसे गन्ना से आप चीनी बनाते हो तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब मछली का खाना हो सकता है, मछली के लिए आपने उसमें से चीजें निकाल ली, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप एक साथ करोगे तो ये हमारा एक सिस्टम बनेगा, यानी आप, अच्छा इससे कितना आपने लाभ कमाया, जमीन आपकी उतनी ही थी लेकिन इससे जब आपने साल के अंत में देखा, जब आप गन्ने से 1 लाख कमा रहे थे और इससे आप 3 लाख अगर कमा रहे हो तो बेहतर यूज कहाँ क्या हुआ खेती का, यहाँ बेहतर यूज हुआ इसकी अपेक्षा। तो हमको क्या करना है, पर यूनिट रिसोर्स का हमको मैक्सिमम यूज करना है। सेकेंड वॉल्यूम प्लीज, वो भी 7 में लीजिए अनु, सेकेंड वॉल्यूम 7 में नहीं हो पाएगी, पहली खत्म होने के बाद ही हो पाएगी। जॉब के बाद मेरे पास इतना समय तो नहीं रहेगा कि मैं 2 क्लासेस एक दिन में आप लोग की लगा पाऊँ, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, लेकिन ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा 2.5 से 3 महीने में मैं दोनों वॉल्यूम्स को कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। जहां पर मुझे ज्यादा समय देने की आवश्यकता होगी वहां मैं ज्यादा समय दूंगा और जहां सिर्फ फैक्ट रहेंगे वहां पर मैं बहुत प्रयास नहीं करूंगा आपको फंसा के रखने का, और मैं पढ़कर आगे निकलूंगा, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा कहां कैसे याद करना है, सारी चीजें मैं आपको समझाते कॉन्सेप्ट्स पर मैं मेन फोकस करूंगा, क्योंकि जो हमारी अरुण कात्यायन है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बुक ही है, ठीक है। चलो और किसी को कोई समस्या बताओ जरा, समझने में कोई टॉपिक दिक्कत आए अभी यहां पर तो बताते रहना, इसीलिए लाइव ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि समझते आप साथ में रहे हो और कोई समस्या आती तुरंत आप मुझे बता सकते हो। चलो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 2 मींस, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टिवेशन। आप देखो अभी तक जब उत्पादन करते थे ट्रेडिशनल खेती की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेडिशनल खेती में जब आप बात करते थे तो आपको अगर उत्पादन बढ़ाना होता था तो क्या करते थे, आप कहते थे यार ऐसा है 1 हेक्टेयर पे खेती कर रहे हैं हम, लेकिन जमीन खूब है हमारे पास, चलो 3 हेक्टेयर पे खेती करते हैं और उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा हम क्या कहते थे, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप, ठीक है, या फिर क्या कहते थे, चलो इसी 1 हेक्टेयर पर हम क्या करें, 1 हेक्टेयर पर हम क्या करें भाई साहब, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरा यह तरीका होता था, अगर हमें उत्पादन बढ़ाना था तो ये 2 चीजें हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 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 2 more dimensions अब ऐड हो गए हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में। हमने कहा अगर आपको उत्पादन बढ़ाना था तो 2 dimensions आपके पास थे, या तो आप जमीन ज्यादा कर लो, 1 हेक्टेयर में खेती करने की जगह 2 हेक्टेयर में खेती करो, उत्पादन ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा, या फिर पर यूनिट एरिया में प्रोडक्शन ज्यादा कर लो। लेकिन 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 हमने कहा 2 dimension और बढ़े नए सिरे से, क्या बढ़ा, पर यूनिट टाइम में उत्पादन बढ़ा लो, दूसरा पर यूनिट स्पेस में प्रोडक्शन बढ़ा लो। मैंने कहा 2 नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आए, कौन कौन से, एक आया टाइम का यूज और एक आया स्पेस का यूज, टाइम एंड स्पेस।
मैंने कहा ये दो डायमेंशन और हो सकते हैं लैंड को या उत्पादकता को बढ़ाने के अलावा, क्या हो सकता है टाइम। मैंने कहा आप अगर खेती कर रहे हो, आपके पास ये जमीन है और इस जमीन में वर्ष में आप एक फसल ले रहे थे, वर्ष में आप क्या करो तीन फसल, यहां तक कि चार फसल अगर आप ले सकते हो, इससे क्या होगा आपका उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन किसके सापेक्ष, समय की वजह से बढ़ेगा। स्पेस की बात करें, यहां पर आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे विरल खेती, क्या कर रहे थे विरल खेती, उसके स्थान पर आपने खूब स्पेस दिया था, पर्याप्त जगह दी थी एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में, लेकिन आप कर सकते हो यहां पर सघन खेती, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग, क्या कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग आप कर सकते हो। तो स्पेस के पर्सपेक्टिव से आप इंटेंसिव फार्मिंग अपनाओगे, टाइम के पर्सपेक्टिव से एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए इंटरक्रॉपिंग अपनाओगे, मिक्स क्रॉपिंग अपनाओगे, या फिर बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जहां पर आप टाइम का सदुपयोग कर सकते हो, रिले क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, ये सारी चीजें समय के सापेक्ष उत्पादन को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, इन द ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम मिक्सचर एंड रोटेशन वर डेवलप्ड बाय द फार्मर over year of experience of trial and error suit specific ecological and socio economic condition to attain yield stability। देखो पहले आदमी करके सीखता रहता था, गलतियां करता था, उसी से सीखता था और धीरे धीरे चीजों को बेहतर करता जाता था, लेकिन मॉडर्न में हम अब कहां पर आ गए हैं, तीन पिलर्स पे आ गए हैं खेती करने में। आपने खेती किया, सक्सेस हो गई, ठीक है, नहीं सक्सेस हुई, नहीं ठीक है, लेकिन अब हम तीन चीजों पर बात करते हैं। पहला बात करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप से हम क्या करेंगे कि भाई साहब जेनेटिक मेकअप कैसा है सीड का, कैसा हमारा बीज है, बेहतर बीज हमारे उत्पादन को बेहतर बनाएगा। ठीक है, चलो दूसरा ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग की मैं बात करता हूं। ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग यानी पर्टिकुलर एक लैंड में आप कौन सा प्लांटिंग पैटर्न अपना रहे हो, सेप कौन सा अपना रहे हो, और उस सेप के अनुसार आप इंडिविजुअल प्लांट को कितनी जगह दे रहे हो जिससे वो मैक्सिमम हमारा उत्पादन कर पाए। ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग में हमारी ज्योमेट्री बहुत अलग अलग तरीके की आप लोग पढ़ते रहे हो, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, क्यूबोडियल है, सब चीजें आप पढ़ते रहे हो रिलेटेड टू प्लांट पॉपुलेशन। लेकिन हाँ, यहां ध्यान रखना क्यूबोडियल पैटर्न जो है प्लांटिंग का, ये क्वेश्चन आता है, क्यूबोडियल पैटर्न जो हमारा प्लांटिंग का है, ये हमारा मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन इसमें पाई जाती है क्यूबोडियल में। इंटेंसिव फार्मिंग इन किचन गार्डन, कोई जरूरी नहीं किचन गार्डन में, आप किचन गार्डन में भी इंटेंसिव फार्मिंग कर सकते हो। इंटेंसिव फार्मिंग एक बड़ा शब्द है, कहीं भी आप कर सकते हो सघन खेती, ठीक है, जहां आप पेड़ों को पास पास लगाकर और उत्पादन में ये भी इतना स्पेस सिर्फ दे रहे हो कि उत्पादन वो मैक्सिमम प्लांट दे पाए बस। ठीक है, अभिनव टेस्ट सीरीज अभी आईसीआर जेआरएफ की में भी चल रही है, इसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या फिर जो मोबाइल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हो, तो आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ तो जो भी टेस्ट सीरीज चलती रहती है डेली उसकी अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलो इसके बाद में बात कर रहा था, हाँ, तो इससे आप क्या कर सकते हो, बेहतर आप अपना नए हमारे ये सिस्टम है जिनसे आप साइंटिफिक क्रॉपिंग कर पाते हो। चलो इसके बाद में बात करता हूं, प्लांट पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज साइज ऑफ एरिया अवेलेबल इन द इंडिविजुअल प्लांट एंड नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा कितना एरिया अवेलेबल है, कितना एरिया है यानी एक हेक्टेयर मान लो एरिया है मैंने कहा, और इसमें कितनी प्लांट्स की संख्या है, ये सब हमारा प्लांट पॉपुलेशन का एक तरीका है। आप कब से पढ़ाने लगे, अभी शुरू किया हूँ अभिनव में, ये शायद तीसरी क्लास है मेरी, और इससे पहले तीन क्लासेस और जेनेटिक्स की चली थी, लेकिन आप लोग की डिमांड था कि नहीं अरुण का अध्ययन पहले कंप्लीट कर लिया जाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है दोनों वाइल अरुण का अध्ययन आप पहले कंप्लीट कर लें, इसके बाद जो प्लान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो सारी की सारी प्रैक्टिसेस हैं जैसे क्रॉपिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंक्लूड होता है इसमें। अच्छा देखो, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन द स्पेस क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा, चॉइस ऑफ वेराइटी, मेथड ऑफ स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट या हार्वेस्टिंग पीरियड, जो ये सारा हमारा है, ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। अच्छा समझो जरा, एक चीज में बात कर रहा हूं, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न में सीधा सीधा अंतर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो शब्द हैं आपके सामने दो, क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात आ रही है, इसका मतलब आप फसलें कैसे लगा रहे हो, बस। ठीक है, जिससे उत्पादन अधिक हो पाए, जिससे प्रोडक्शन हाई हो पाए। ठीक है, यह क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। पल्लवी फिर आगे बढ़ाया जाएगा उसको, अभी वैसे भी सेकंड वैल्यू में बहुत अच्छी जेनेटिक्स दी है
और वहां मैं जब पढ़ाऊंगा तो जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी मैं बताते हुए आपको पढ़ाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है। चलो, तो फसलें कैसे लगाते हैं, उत्पादन की मैं बात कर रहा हूँ, उत्पादन बढ़ेगा, क्रॉपिंग पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न में ये देखते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम प्रबंधन भी जोड़ दें, अगर मैनेजमेंट भी जोड़ दें, मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों का करना है, इन दोनों को एक शब्द में हम क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। यानी क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट मिल जाए तो क्रॉपिंग सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, तो मैंने कहा मैनेजमेंट में कुछ नहीं शामिल हो रहा भाई साहब, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप है, चॉइस ऑफ वैरायटी है, स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट है, पेस्ट मैनेजमेंट है, हार्वेस्टिंग है, ये सारी प्रक्रियाएं मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। चलो, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस बाय द मेजोरिटी ऑफ फार्मर इन द गिवन लोकेलिटी एरिया। देखो, हमारा एक छोटा सा एरिया आपका गांव है, ठीक है। आपके गांव में अलग अलग फसल चक्र अपनाया जाता होगा, क्रॉपिंग पैटर्न वही फसल चक्र है, वही क्रॉप रोटेशन है जो आप अपनाते हो अपने क्षेत्र में। तो आपके यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न आप लोग सब लोग कमेंट करके बता दो। आप बताओ पूरे साल में आपके घर में, सब खेती वाले लोग होंगे बेसिकली मुझे लगता है, सबके पास जमीनें होंगी सबके घर में, तो आप लोग बताओ अपने घर में क्या क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न है क्रॉप रोटेशन जो आप लगातार उगाते हो। जैसे मेरे घर में मैं बात करूं तो दो क्रॉपिंग पैटर्न अक्सर देखने को मिलते हैं। एक तो पहला तो गन्ना, हमारा वर्ष भर में गन्ना एक साल की फसल है तो गन्ना लगता है, गन्ना के बाद फिर गन्ना क्योंकि उसकी हम लोग क्या लेते हैं, पेड़ी लेते हैं, और उसके बाद अगली फसल हम लोग अगर बोते हैं तो खरीफ में अक्सर हम लोग चावल उगाते हैं, ठीक है। दूसरा खेत अगर हमारा मान लो है तो दूसरे खेत में या तो हम चावल, गेहूं या सरसों, और जायद में हम लोग कुछ सब्जियां कभी कभार उगा ली जाती हैं। ये हमारे एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न है और लगभग पूरा गांव या अगल बगल का पूरा जिला मेरा लगभग इसी क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। और लगभग उत्तर भारत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो पैडी फीट आपका बेहतर एक क्रॉपिंग पैटर्न है जो हर जगह अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जो लोकेलिटी एरिया में आपके क्षेत्र में मेजोरिटी से उगाया जा रहा है वो क्रॉपिंग रोटेशन ही क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अब इसमें क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप बिटवीन द टाइम एंड स्पेस, यानी स्पेस और टाइम के बीच में क्रॉप्स का अरेंजमेंट ही क्रॉपिंग पैटर्न होता है। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट हम दोनों करेंगे। द पोर्शन ऑफ एरिया अंडर द वेरियस क्रॉप, पॉइंट ऑफ टाइम एंड यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया में हम लोग पोर्शन ऑफ क्रॉप्स अलग अलग तरीके से उगाएंगे और ये सब क्रॉपिंग पैटर्न का ही हिस्सा होगा, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है मैंने बताया, क्रॉपिंग सिस्टम मैंने कहा क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट है। अच्छा, यही बात मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो यहां पर समझने की आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यानी क्रॉपिंग पैटर्न और उसके साथ उसका मैनेजमेंट कह लोगे तो वो क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। द क्रॉपिंग पैटर्न यूज अ फार्म देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज एंड द फार्म एंटरप्राइजेस अवेलेबल टेक्नोलॉजी विल डिटरमाइन देयर मेकअप। देखो भाई साहब, खेत है आपके पास, एक फार्म है, उस फार्म में आपके पास जितनी बेहतर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका भरपूर उपयोग करते हुए, उनका भरपूर मैनेजमेंट करते हुए आप बेहतर क्रॉप पैटर्न जो अपना सकते हो वही अपनाना क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आई? मान लो जमीन, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जमीन है, जमीन के साथ में आपके पास क्या है, भूमि के साथ साथ आपके पास एक ट्रैक्टर है और आपके पास सिंचाई की सुविधाएं हैं, आपके पास बेहतर सिंचाई की सुविधाएं हैं, ठीक है, आपके पास उर्वरक है, तो आप इनका कैसे बेहतर उपयोग कर पाओगे जिससे आप पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सको और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाओ। इस सब का मैनेजमेंट हम किसमें किसके तहत समझते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम के तहत समझते हैं, ठीक है। लैंड का भी मैनेजमेंट करना है, सॉइल का भी मैनेजमेंट करना है, और जितने इक्विपमेंट है, जितने इनपुट्स हैं, सबका मैनेजमेंट करना है, और साथ में हमको मृदा की उर्वरता को भी बना के रखना है और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी लेना है। तो ये हमारा पूरा क्रॉपिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे। फार्मिंग सिस्टम क्या है? अच्छा, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम में बेसिक अंतर है। फार्मिंग सिस्टम का मतलब और कुछ नहीं है, फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपका ये फार्म है, ठीक है। कहते हैं ना फार्म हाउस है, तो मान लो ये आपका फार्म है। इस फार्म में आपके पास ये जमीन का कई सारे टुकड़ों में हमने बांट ली, ठीक है। अब आप इस खेती में, यहां पर आप कर रहे हो क्या, एग्रीकल्चर, और यहां पर एग्रीकल्चर के साथ कर रहे हो पशुपालन, ठीक है। यहां पर मत्स्य, यहां पर आपने मधुमक्खी पाली है, और यहां पर आपने खाद का भंडार लगा दिया है, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे अपने फार्म को तैयार कर सकते हो, यानी एग्रीकल्चर के अलावा उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, उनके एलाइड सेक्टर्स जब आप
एग्रीकल्चर के साथ अपना लेते हो तो इसे हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इट रिप्रेजेंट एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस, अलग अलग उद्योगों को एक अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन में अगर हम लगा दें, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इन सब को हम लोग अपना लेंगे। इससे फार्मर क्या होगा, रेज द इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इससे उत्पाद लाभ भी बढ़ेगा। द टर्म फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्सड फार्मिंग आर यूज इंटरचेंजेबल बट देयर हैव सम सुटेबल डिफरेंसेस। देखो बेसिकली फार्मिंग सिस्टम और मिक्सड फार्मिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग इनको एक दूसरे के सापेक्ष यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ अंतर इसमें है। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग टू सस्टेन एंड सेटिस्फाई मैनी नीड ऑफ फार्मर्स एज पॉसिबल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इज सस्टेनेबल वाइल हायर प्रॉफिटेबिलिटी अबाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इज इंपॉर्टेंट फार्मिंग सिस्टम्स। ठीक है, अच्छा समझो, मैंने दो चीजें आपको बताई, समझा देता हूं। यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इफ क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। समझो बच्चा, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम में बहुत अंतर है, तो जमीन आसमान का अंतर है। आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला पूछना चाहिए था। देखो क्रॉपिंग सिस्टम में मैंने बताया फसल है उसको बेहतर तरीके से उगाना है, जिससे क्या होगा आप भूमि का बेहतर उपयोग कर पाओ। ठीक है, ये आपका क्रॉपिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसके साथ में मतलब ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, और क्रॉपिंग पैटर्न का अगर आप प्रबंधन कर लोगे तो वो क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप बात हो फार्मिंग सिस्टम पे, तो आपका एक फार्म है पूरा पूरा, क्या है एक फार्म है, और इस फार्म पर आप खेती सिर्फ ना करो, खेती के साथ सहयोगी चीजें जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन, ये सब आप करो, ये हमारा फार्मिंग सिस्टम है। आपको कंफ्यूज किसके बीच में होना है ये भी मैं बता दूं, आपको कंफ्यूज होना है फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग के बीच में। किसके बीच में कंफ्यूज होना है आपको, फार्मिंग सिस्टम और मिक्स फार्मिंग के बीच में, क्योंकि दोनों में खेती के साथ साथ अन्य जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सब हम लोग करते हैं दोनों में, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग हैं। फार्मिंग सिस्टम का एम क्या है जरा बताना, मैंने यहां बताया फार्मिंग सिस्टम का एम क्या है, देखो जरा मैंने क्या एम बताया, मैंने कहा इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, फोकस कहां करना है, लाभ को बढ़ाना है। इंग्लिश के लिए अलग से मेघना सीरीज चलाई जाएगी, और अगर मैं इंग्लिश में ही समझाऊंगा तो पर्टिकुलर जो बच्चे हिंदी बेल्ट वाले हैं उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं पीपीटी इंग्लिश में रखता हूं, मैं लिखता इंग्लिश में हूं लेकिन समझाता हिंदी में। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश हिंदी समझने में दिक्कत है तो जब इंग्लिश वाली सीरीज चलाई जाएगी तो आप वो क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, चलो फार्मिंग सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी उसका मेन टारगेट है, लेकिन यहां पर मिक्स्ड फार्मिंग का मेन उद्देश्य वो नहीं है। मिक्स्ड फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है हायर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, हमारा यहां पर मुख्य उद्देश्य है फार्मर की नीड्स को फुलफिल करना, जो जितनी आवश्यकताएं फार्म फैमिली की हैं, जितनी भी आवश्यकताएं फार्म फैमिली की हैं उसको फुलफिल करना, ये मिक्स्ड फार्मिंग का मेन एम होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद सोल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग, सोल क्रॉपिंग क्या है, अपोजिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग है। इट इज डिफाइंड एज कल्टिवेशन ऑफ वन क्रॉप वेराइटी एलोन इन द प्योर स्टैंड इन नॉर्मल डेंसिटी इन द वेरी सर्टेन टाइम एंड प्लेस। देखो भाई साहब, सोल क्रॉप कुछ और नहीं है, एक ये हमारा क्रॉप, ये हमारा खेत है, इस पर आपने सिंगल एक खेत लगाया है, एक फसल लगाई है, एक फसल लगाई है एक समय विशेष में, एक सर्टेन टाइम में और एक प्लेस पर एक ही फसल लगा रहे, तो ये हमारा सोल क्रॉपिंग है। ठीक है, क्रॉपिंग स्कीम फिर क्या है जरा समझो, क्रॉपिंग स्कीम क्या है, क्रॉपिंग स्कीम द प्लान अकॉर्डिंग टू विच आर रेज्ड, विच क्रॉप आर रेज्ड इन इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ द फार्म एंड ऑब्जेक्ट टू गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम ईच क्रॉप विदाउट द इंपेयरिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉपिंग स्कीम भी कुछ और नहीं है भाई, यही है कि देखो सॉइल फर्टिलिटी को खराब नहीं करना है, उत्पादन बेहतर करना है। शिवा शेरी फिर वही बात आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाना होगा तो मैं वो भी कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई खास समस्या नहीं है। आप लोग को जो हिंदी बेल्ट वाले हैं उनको समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अलग से एक क्लास आपकी चला दी जाएगी
जब अलग से सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाना रहेगा तो मैं फिर से आपको प्योर इंग्लिश में, हिंदी का बिना एक शब्द यूज किए मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है? अभी हिंदी वालों पढ़ लें, फिर आपको इंग्लिश वालों को भी समझा दिया जाएगा चीजों को, ठीक? चलो, क्रॉपिंग स्कीम में मैंने क्या बताया, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हुए हमको क्या करना है, इंडिविजुअल प्लाट में बेहतर तरीके से खेती करनी है, और इससे क्या होगा, लगातार हमारा क्या होगा, बेहतर उत्पादन होता चला जाएगा। क्रॉपिंग स्कीम में कुछ खास और ऐसा है नहीं। हम कहाँ बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अब आपका क्वेश्चन आ गया है क्या, मोनोकल्चर एंड मोनोक्रॉपिंग, ठीक है? चलो, मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग में आप लोग अंतर पूछ रहे थे, अब मैं बता देता हूँ आपका क्वेश्चन, ठीक है? बाइलैंग्वल चल ही रहा है, कंटेंट पूरा इंग्लिश में है, मैं समझा भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहा हूँ, शब्द में जो टर्म है वो सारे मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो मैं बात कर रहा हूँ मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग का हिस्सा है मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर, दोनों में बेसिकली आपको अंतर समझना है। मोनोक्रॉपिंग देखो भाई साहब, देयर इज अ फील्ड, एक खेत है जहां पर आप क्या कर रहे हो, लगातार एक ही फसल उगा रहे हो, सिंगल क्रॉप एवरी ईयर, एवरी ईयर, ठीक है? प्रत्येक वर्ष आप क्या कर रहे हो, एवरी ईयर आप क्या कर रहे हो, सिंगल क्रॉप उगा रहे हो, लेकिन साल में सिर्फ एक ही फसल उगा रहे हो, वर्ष में सिर्फ एक फसल ले रहे हैं। ध्यान रहे, पूरे साल में आपने एक खेत पर एक ही फसल ली है, देयर आर सिंगल क्रॉप एवरी ईयर, एक ही फसल ले रहे हो। अगले साल फिर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, साल 2022 में आपकी जो जमीन थी, इस जमीन पर आपने लगाया राइस, ठीक है? नेक्स्ट ईयर साल 2023 में सेम जमीन है, आपने लगाया राइस, लेकिन ये फसल आपने सिर्फ एक बार ही लगाई है वर्ष भर में, बाकी टाइम खेत आपका खाली पड़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग, ठीक है? दैट इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चा जरा समझो, मोनोकल्चर, क्यों ये बार बार डॉट मेरा खो जाता है कहीं लिखने वाला भाई, कलर ऐसा हो गया है ना इस वजह से, उस पर दिखता नहीं है रेड कलर का डॉट, थोड़ा सा बड़ा कर लूं क्या? चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जिससे डॉट आसानी से दिख जाया करेगा। अच्छा, तो मैंने कहा मोनोक्रॉपिंग में क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग में मैंने कहा सिंगल क्रॉप इन अ ईयर, ठीक है? एक फसल होगी पूरे साल में। मोनोकल्चर में क्या होगा, सिंगल क्रॉप रिपीटेडली ग्रोन ऑन फील्ड। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मोनोकल्चर में क्या होगा, देखो जहां कल्चर की बात आ जाती है, दिख रहा है? अच्छा, मोनोकल्चर की जहां बात आ जाती है, मैं बात करता हूं मोनोकल्चर की, वहां पर समझो जरा क्या होता है, मोनोकल्चर में क्या होता है, ये हमारा 2022 है, ठीक है? 2022 में आपने तीन फसलें ली हैं, रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है? तीनों फसलें आपने ली हैं। रबी में आपने क्या लगाया है, राइस। खरीफ में आपने क्या लगाया है, राइस। जायद में क्या लगाया है, राइस। दैट इज कॉल्ड मोनो कल्चर, ठीक है? मोनोकल्चर किसे बोलेंगे, जब आप एक साल में एक से अधिक बार एक ही फसल उगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। मोनोक्रॉपिंग में क्या था, एक साल में सिर्फ एक फसल लेंगे हम, उसके बाद खेत खाली पड़ा रहेगा पूरे साल, एक साल में सिर्फ एक फसल लेंगे, खेत खाली पड़ा रहेगा पूरे साल। मोनोकल्चर में क्या करेंगे हम लोग, एक साल में एक से अधिक फसलें लेंगे, लेकिन फसल सेम होगी, क्रॉप सेम होगी, ठीक है? चलो, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं। अच्छा, ऐसी टाइम पर, अच्छा ये देखो, जब आप ऐसा कर रहे हो तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों में, मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में क्रॉपिंग इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब आप कहोगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी है क्या, तभी तो हम बता पाएंगे।
तो मैं कहूंगा भाई साहब बस फार्मूला याद कर लो, वर्ष भर में उगाई, या ऐसे कहो उगाई गई फसलें यानी क्रॉप्स दैट इज ग्रोन, और उसके नीचे हम लिखेंगे वर्ष, कितने वर्ष में ये फसलें उगाई गई हैं, और गुणा करवा देंगे 100 से। ये हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी का सीधा फार्मूला है, ठीक है। ग्रोन क्रॉप्स ईयर, जैसे मैंने कहा पहला, मैंने कहा था क्रॉपिंग, क्या मैंने कहा था, मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में मैंने क्या बताया है, उगाई गई फसल साल भर में, मान लो वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, तो आपने कहा एक वर्ष, एक वर्ष में। मैंने कहा पूरे साल में आप सिर्फ एक फसल लगाए हो यानी चावल एक बार, तो यानी एक चावल आपने उगाया है, इंटू करोगे 100, क्या आएगा 100। इसका मतलब है 100%, ये प्रतिशत में हमेशा होगा, तो मोनोक्रॉपिंग का क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा, 100% होगा। याद रखना मोनोक्रॉपिंग का क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% होगा, जबकि जब बात कर रहा हूं मैं मोनोकल्चर की, जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मोनोकल्चर की, मोनोकल्चर का क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारा क्या होगा, यहां पर वर्ष तो हमने एक ही लिया है लेकिन फसलें कितनी उगाई हमने, हमने कहा राइस राइस एंड राइस, कितनी क्रॉप्स हो गई, तीन क्रॉप्स आपने ले ली एक साल में राइस की, तीन इंटू करेंगे 100, दैट मीन्स क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई 300, किसकी, मोनोकल्चर की। मोनोकल्चर में हमेशा क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300 नहीं होगी, ये मत समझना, हमेशा क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज मोर देन 100 होगी, ठीक है, मोर देन 100 होगी। साल में अगर आप दो बार राइस लगाते तो 200% हो जाती। तो हमेशा याद रखना मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% होती है, जबकि मोनोकल्चर की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा मोर देन 100% होगी, ये आपको क्लियर रहना है यहां पर, ठीक है। चलो देख लेता हूं कुछ छूटा है। मोनोकल्चर आल्सो कॉल्ड सिंगल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, सॉरी मोनोकल्चर को ही हम मोनोक्रॉपिंग यहां पर इन्होंने लिख दिया है। सिस्टम ऑफ ग्रोन सेम क्रॉप ऑफ द यील्ड आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन्होंने बताया क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इनटू 100। तो क्रॉप ग्रोन इंटेंसिटी इन्होंने कहा भारत की लगभग कितनी है, इस समय 136 इन्होंने लिखा था, आज के टाइम पर आप 145 के आसपास जो भी आपको डेटा लगेगा वो आप टिक करेंगे, ठीक है, 142-145 के आसपास जो भी डेटा दिखेगा भारत की क्रॉपिंग इंडस्ट्री इस समय वो है। मोनोक्रॉपिंग का क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अच्छा बच्चा समझ लेना, यहां पर इन्होंने इसको सेम माना है लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, मैंने आपको अंतर समझा दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इन्होंने मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में कोई डिफरेंस नहीं रखा है, इन्होंने कहा मोनोकल्चर को ही मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है, लेकिन मैंने आपको अंतर बता दिया है और वो अंतर जेन्युइन है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, मोनोकल्चर की क्रॉपिंग इंडस्ट्री हमेशा मोर देन 100 होगी, जबकि मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंडस्ट्री हमेशा 100% होती है, ठीक है। चलो फिर मोनोकल्चर हो गया, अब आते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात जब करोगे तो ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन द ईयर, एक साल में अगर दो या दो से अधिक फसलों को आप उगाते हो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इट इज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन द टाइम एंड स्पेस डायमेंशन, समय और स्पेस के डायमेंशन में आप यहां पर क्या करते हो, इंटेंसिफाई करते हो, सघन खेती करते हो जिससे उत्पादकता बढ़ जाए। पल्लवी वो चेंज होता रहता है, इस साल में भी 142 पिछले साल रहा था, इस साल में भी थोड़ा सा और बढ़ा होगा, क्रॉपिंग इंडस्ट्री थोड़ा सा भारत बढ़ा रहा है, फसल सघनता बढ़ रही क्योंकि हम लोग सघन खेती की ओर बढ़ रहे हैं, इस वजह से क्रॉपिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अच्छी बात है, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग को जितना प्रमोट किया जाएगा क्रॉपिंग इंडस्ट्री उतना बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा 143-144-145 के आसपास जो भी आपको ऑप्शन नजर आएगा उस पर आप टिक कर लेना, ठीक, जब कभी पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलो इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, हाँ तो मैंने कहा मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होगा, एक साल में दो या दो से अधिक फसलों को आप उगाते हो खेत में, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग एक और नया डायमेंशन इसमें जोड़ रहे हैं, मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, अब हमको सॉइल फर्टिलिटी को भी ध्यान रखना है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को भी काउंट करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखना है और डिटेरियोरेट करना है सॉइल फर्टिलिटी को, ठीक है। यानी हमको एक साल में दो या दो से अधिक फसलों को भी उगाना है और अब हमको जो है साथ में ध्यान ये भी रखना है कि सॉइल फर्टिलिटी को खराब ना करें, ठीक है, क्लियर है। चलो मल्टीपल क्रॉपिंग,
मुख्यतः चार प्रकार की होती है, इंटरक्रॉपिंग, मिसक्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। और भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन उसको जब अरुण कात्यायन ने थोड़ा सा लास्ट में दिया, यहाँ पर एक साथ नहीं दिया है, तो हम लोग एक साथ नहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। नहीं तो यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग के जितने भी सारे तरीके थे मैं यहीं पर निपटा देता आपको, जितने भी टाइप की क्रॉपिंग होती है, लेकिन वो लास्ट में है, जहां पर एग्रोनॉमी स्टार्ट हो रही है उससे जस्ट पहले, तो वहीं हम लोग उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो। चार तरीके इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग। अब हम दो शब्द एक साथ लेकर चलेंगे, अंतर क्योंकि हमको समझना है, इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग दोनों की परिभाषा एक जैसी है, टू और मोर क्रॉप्स, दो या दो से अधिक फसलें, इन अ गिवन लैंड यानी फिक्स जमीन है, एंड इन अ गिवन टाइम एक ही समय पर। समझ रहे हो, दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत पर एक ही समय पर उगाना, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग बोथ। ठीक, क्योंकि अंतर कहां पर करना है, डिफरेंस क्या है, जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे डिफिनिट रेशियो, किसकी बात करेंगे, डिफिनिट रेशियो की बात करेंगे, या इसे कह सकते हो फिक्स रेशियो की बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग। और जब हम बात करेंगे बिना किसी अनुपात के, बिना किसी अनुपात के, दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। अब आप लोग सर मोनोक्रॉपिंग 100% से लेस या मोर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैंने बता दिया फिक्स है वो। मोनोक्रॉपिंग जब आप एक साल में एक ही फसल लगा रहे हो तो कम कैसे होगा, कम हो ही नहीं सकता है। अगर आप साल में कोई फसल नहीं उगाओगे तो 100 से नीचे जाएगा, साल में आप कोई फसल उगाओगे नहीं तो मोनोक्रॉपिंग क्या है, कोई क्रॉप ही नहीं रही, खाद खेत खाली पड़ा रहा आपका, पड़ती हो गई वो तो। और अगर एक से अधिक फसलें उगा ली आपने एक साल में, तो या तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाएगा या फिर हो जाएगा मोनोकल्चर। तो 100% रहता मोनोक्रॉपिंग, वो फिक्स है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक ही समय पे लगाना, दे इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग दोनों हो सकता है। इंटरक्रॉपिंग किसे बोलेंगे, इंटरक्रॉपिंग जब आप एक डिफिनिट रेशियो में फसलों को उगा, दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हो तो इंटरक्रॉपिंग है, और बिना किसी अनुपात के अगर फसलों को ऐसे बीज मिलाया और खेत में जाके छिड़क दिया, कहीं पर कोई फसल लग रही, दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, यहां तक अंतर क्लियर है। चलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंटरक्रॉपिंग का बेहतर एग्जाम्पल है, हमने सबसे ज्यादा सबको लगभग पता ही होगा, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो आप लोग, तो गेहूं और सरसों का, गेहूं सरसों, यहां पर हम लोग गेहूं और सरसों में अनुपात रखते हैं 9:1 का, यानी फिक्स है। हम क्या करेंगे, एक हमारा ये खेत है, इसमें पहले एक लाइन गेहूं की लगाएंगे, दूसरी लाइन गेहूं की लगाएंगे, तीसरी लाइन गेहूं की लगाएंगे, चौथी लाइन गेहूं की लगाएंगे, पांचवी लाइन गेहूं की लगाएंगे, छठी लाइन गेहूं की लगाएंगे, सातवीं लाइन गेहूं की लगाएंगे, आठवीं लाइन गेहूं की लगाएंगे, नौवीं लाइन गेहूं की लगाएंगे। और जैसे ही दसवीं लाइन की बात आई, 9 के बाद हम चले जाएंगे कहां पर, भाई साहब हम लगा देंगे सरसों, यहां एक हमने लगा दिया सरसों। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर एक लाइन गेहूं की लगाएंगे, ऐसे 9 लाइन फिर गेहूं की लगाएंगे। ये क्रॉपिंग पैटर्न हमारा, ये हमारा इंटरक्रॉपिंग हो गया, क्योंकि यहां पर रेशियो क्या देख रहे हो आप, फिक्स है, गेहूं के बाद लाइन में आपने सरसों लगाया है, दैट इज फिक्स रेशियो, दैट मीन्स इट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इसे इंटरक्रॉपिंग के तहत रखा जाएगा। मिक्स क्रॉपिंग में दो बीज आपने लिए, आपने उठाया और जाके खेत में छिड़क दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां पर लाइन है कहां नहीं है और किसके बाद कौन सी लाइन आएगी, किसी से कोई लेना देना नहीं, दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में इन्होंने देखा है क्या लिखा है, ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप्स सस्टेन साइमल्टेनियसली, नहीं एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ, ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही भूमि पर, एक साथ, एक ही भूमि पर, इन अ डिफिनेट रो अरेंजमेंट। मैंने कहा डिफिनेट रो अरेंजमेंट होगा या फिक्स रेशियो होगा, वो आर इन अ फिक्स रेशियो, एक ही बात है, इसे इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। जैसे हमने कहा व्हीट के साथ मस्टर्ड 9:1 और सेटेरिया के साथ रेड ग्राम 5:1। ठीक है, हियर द क्रॉपिंग इंडस्ट्री इज इन स्पेशियल डायमेंशन इज अचीव्ड, यहाँ स्पेशियल डायमेंशन में क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई है, साथ में सच क्रॉप आर यूजुअली ग्रोन अलोंग विद दोज क्रॉप विद हैवियर लार्ज रो इंटरवल इंटरक्रॉपिंग इंक्लूड द एले क्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे एले क्रॉपिंग हो सकता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो सकता है, कंटूर क्रॉपिंग हो सकता है, पेयर्ड रो क्रॉपिंग हो सकता है, स्किप क्रॉपिंग हो सकता है, पैरेलल क्रॉपिंग हो सकता है, ये सारे के सारे प्रकार हैं इंटरक्रॉपिंग के। ठीक है, ये सारे के सारे प्रकार हैं इंटरक्रॉपिंग के, और इसमें से कुछ अभी यहां पर दिए हुए हैं और उनका अध्ययन में पहले ही, तो उनको हम पहले पढ़ लेंगे, और बाकी जो हमारे यहां नहीं दिए हैं वो जब हम लोग एग्रोनॉमी स्टार्ट करने वाले होंगे तो उससे पहले वहां पर लिस्ट में बहुत सारे दिए हैं, वहां पर हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, चलो,
जो जो दिया है उसी को समझते हुए चलते हैं। पैरेलल क्रॉपिंग, कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप व्हिच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन, पैरेलल क्रॉपिंग। समझो जरा, दो फसलें ऐसी जिनके बीच में कोई कंपटीशन ना हो, दो फसलें ऐसी जिनके बीच में जीरो कंपटीशन है, एक साथ उगाई जाए एक ही खेत पर, एक साथ उगाई जाए एक ही खेत पर, इसे हम कहेंगे पैरेलल क्रॉपिंग। अच्छा, समय का तो पता ही नहीं चला यार, समय निकल के बहुत आगे ना, चलो यहां तक रख लेते हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे प्रकार हैं इंटरक्रॉपिंग में, तो हम लोग इंटरक्रॉपिंग के प्रकार कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। शुभ, यश, गुड इवनिंग। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं और इंटरक्रॉपिंग के प्रकार हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे तो आप लोग को और मजा आएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, गुड नाइट आप सभी को, मिलते हैं हम लोग फिर कल इसी समय 7 बजे। ठीक है, चलो, धन्यवाद।